कृषि कानूनों के विरुद्ध में किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया, जिसका असर गोहाना में सुबह 6 बजे से ही दिखना शुरू हो गया है। गोहाना रोहतक, गोहाना जींद, गोहाना सोनीपत, गोहाना महम, गोहाना जुलाना, गोहाना पानीपत पर हर जगह किसानों की ओर से जाम लगाया गया है। जाम लगाने के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन किसान अपनी जिद पर डटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन जारी है। तो देश को बका के कोरोना काल का बहाना लेके देश बेच दिया था, उसके अपोजिट किसान मजदूर संगठन अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और आज एक आह्वान देना चाहते हैं किसान मजदूर एकता कि भाई 12 घंटे का आंदोलन, वो रोड जाम है, भारत बंद है, इसको सफल बनाएंगे और आने वाले समय में हो सकता है और भी बड़े फैसले लेने पड़े संयुक्त मोर्चा को और उसमें हर भारतवासी अपना सहयोग दे रहा है। क्या मांग कर रहे हो सरकार से? हम मांग कर रहे हैं MSP का कानून बने, तीनों काले कानून वापस हों और रसोई गैस पेट्रोल डीजल की बेहद आशा जो वर्ती हुई है उसको वापस लिया जाए। तो शाम तक यहीं रोड पर बैठोगे? हाँ जी। जिस तरह से पिछले 2 महीने से वार्ता नहीं हुई, सरकार आगे नहीं बढ़ रही, तो क्या लगता है आपको? देखो ऐसा है, वार्ता वो करता है जो बराबर के चलो बातचीत हो। अब एक चोर पार्टी है, ये देश को बेचने पे खड़ी है, अपने चंद पूंजीपतियों के लिए पूरे देश को गड्ढे की तरफ धकेल दिया, तो वो वार्ता क्या करेगी? तो लगता नहीं आपको कोई बीच का रास्ता निकलेगा? देखो रास्ता तो हमारा तो निकला है, जब हमारे कानून वापस हो जाएंगे हम तैयार हैं। अब उन्होंने इतना जो धोखा पट्टी करके लोगों के साथ और पूंजीपतियों से इतना पैसा ले रखा है या उनके इतने गुलाम बने हुए हैं, कानून तो मई में आए हैं, उससे पहले ही उनके जब गोदाम तैयार हो गए तो उनको तो पहले ही पता था कि भाई ये होने वाला है और वो कर दिया, लेकिन किसान ऐसे बिकने नहीं देगा, मजदूर ऐसे अपनी रोजी रोटी को बिकने नहीं देगा। हड़ताल है किसानों को लेके, कहाँ कहाँ जाम लगाया, क्या कहना बताओ? देखिए आज पूरा भारत बंद है और स्कूल कॉलेज रेल सड़क बाजार सब कुछ बंद है। आपने देख लिया है कि लोगों ने हमारी अपील को पहले ही मान लिया है, सड़कें सुनसान पड़ी हैं। जब लोगों को पता था कि 26 मार्च को भारत बंद रहेगा तो लोगों ने अपने आप ही घर से निकलना बंद कर दिया, आज सारे के सारे सब कुछ बंद है। क्या मांग करते हैं सरकार से? हमारी मांग ये है कि जो 3 काले कानून हैं उनको तुरंत वापस लिया जाए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार MSP लागू किया जाए, MSP की खरीद की गारंटी की जाए। तो अभी बाजार में प्रदर्शन कर रहे हैं सामाजिक संगठन? हाँ, अभी ये सामाजिक लोग हैं जो उस अभी इक्का दुक्का अगर कोई खुला होगा तो उनको समझाएंगे, पूरा बाजार बंद है और आज पूरा देश ही बंद है। सरकार आगे नहीं मानती तो क्या रुक रहे हैं किसानों का? अगर सरकार नहीं मानती तो होली वाले दिन 28 तारीख को इन 3 काले कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी और अगला फैसला संयुक्त मोर्चा जो भी करेगा उस पर अमल किया जाएगा। ठीक। किसानों ने सरकार से तीनों कृषि कानून तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की है, साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि धरना तभी खत्म होगा जब सरकार अपनी हट छोड़ेगी। किसानों के जोश को देखकर किसी भी सूरत में ऐसा नहीं लगता कि ये पीछे हटने वाले हैं। आज भारत बंद का असर भी हर जगह देखने को मिला, हर तरफ सड़कें सुनसान हैं और बाजार भी पूरी तरह से बंद हैं। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी TV।